हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल बाय कविता। आपका बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट नेट जेआरएफ का असिस्टेंट प्रोफेसर व्याख्याता एग्जाम। पहला क्वेश्चन, ये दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कथन कारण। कथन ए है, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे। कारण है, दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं किया। ऐसा क्या रीजन है कि दोनों समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ही अश्वमेध प्रकार के सिक्के चला रहे हैं, फिर भी अभिलेखों में उनका उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है? यानी समुद्रगुप्त कुमारगुप्त दोनों ने ही अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए। अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए, लेकिन दोनों के अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ का संपादन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अभिलेख सिक्के चलाए तो सिक्कों में उस पर यज्ञ रूप से बंधे हुए हमें घोड़े के प्रमाण अंकित होते हैं, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति जो थी उनके अश्वमेध यज्ञ उन्होंने अपनी जीत के उपलक्ष में करवाया था, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति जो थी वो युद्ध के बाद में लिखी गई थी, इसलिए प्रयाग प्रशस्ति में भी दोनों के समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से उपनिषद कालीन एक तरफ राजा हैं और एक तरफ ये एक तरफ उपनिषद कालीन राजा है, दूसरी तरफ राज्य है, यानी उनका क्षेत्र क्या हुआ है? अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? अजातशत्रु मगध के राजा थे, काशी के नहीं थे। सेकंड है, अशुपति केकई के राजा थे। जनक विधेय के थे। परवाहन जाबाली पांचाल के थे। तो हमें जो उपनिषद कालीन राजा और उनके राज्य क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती वो हमें सतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होती है। सतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद से इसकी जानकारी प्राप्त होती। राइट आंसर हो जाएगा, यानी युग सुमेलित नहीं है, अजातशत्रु। अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? मगध के थे। देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार की हत्या करके मगध साम्राज्य पर शासन किया था, और बौद्ध ग्रंथ अजातशत्रु को पितृहंता मानते हैं, लेकिन जैन ग्रंथ इसको पितृहंता नहीं मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु का नाम वैदेही पुत्र और अशोक चंड प्राप्त होता है। कुणिक भी अजातशत्रु का ही नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? मगध के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
23वें जैन तीर्थंकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? 23वें जैन तीर्थंकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? तो हम बात करें जैन परंपरा में 24 जैन तीर्थंकर बताए गए हैं, 24 में से प्रथम जैन तीर्थंकर शबदेव या आदिनाथ हुए हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं। यानी पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को छोड़कर बाकी सभी तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता हमें संदिग्ध दिखाई देती है, इसलिए पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले है इनका कार्यकाल, यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का कार्यकाल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले का है, 250 ईयर्स। महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ ने चातुर्याम या महावर्त का उल्लेख किया है, चार बताए हैं, सत्य, अस्ते, अहिंसा, अप्रिग्रह, जिसमें महावीर स्वामी ने पांचवा महावर्त जोड़ा, का नाम था पांचवे का ब्रह्मचर्य। तो चार महावर्त बताए हैं, चातुर्याम बताए हैं पार्श्वनाथ ने, सत्य, अस्ते, अहिंसा और अपरिग्रह, लेकिन महावीर स्वामी में उसने पांचवा ऐड किया है, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ ने 84 दिन तक सम्मेद पर्वत पर कैवल्य प्राप्त किया, 84 दिन तपस्या की, किस पर्वत पर प्राप्त किया? कैवल्य पर्वत पर। हमारा क्वेश्चन है 23वें जैन तीर्थंकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण। तो कथन ए है, गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कारण है, उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। दोनों कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है, उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, ये भी सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी और अनात्मवादी था। अनिश्वरवादी और अनात्मवादी, इसलिए बौद्ध धर्म अनात्मवादी होते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है और साथ साथ आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। महात्मा बुद्ध ईश्वर की एकता की बजाय मानव की प्रतिष्ठा पर बल देते, मानव की प्रतिष्ठा पर बल देते हैं।
राइट आंसर हो जाएगा कथन ए और कारण दोनों सही हैं कि सही व्याख्या आर नहीं है, यानी व्याख्या नहीं हो रही है लेकिन कथन और कारण दोनों सही हैं। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं और शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमिकस एक राजदूत क्रिया से किसके दरबार में भेजा गया था? डायमिकस जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार और जैन ग्रंथ में सेन कहा गया है। बिंदुसार को वायुपुराण में मद्रसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन और यूनानी ग्रंथों में अमित्र घात कहा गया है। बिंदुसार ने डायमेकस सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया? स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा और मेगस्थनीज के बाद आने वाला सेकंड राजदूत था। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मैत्रीपूर्ण पत्र लिखकर तीन चीजों की मांग की। नंबर वन, मदीरा। सेकंड, सूखी अंजीर। एंड द लास्ट, दार्शनिक। लेकिन सीरियाई शासक एंटियोकस ने प्रथम दोनों वस्तुएं भिजवा दी और ये कहते हुए कहा कि दार्शनिक का जो है हमारे सीरियाई कानूनों में यानी यूनानी कानूनों में दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जाता, दार्शनिक को बेचा नहीं जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा डायमेकस एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त को सतजंबुद्वीप स्वामी कहा गया है? बोध ग्रंथ हुआ है महावंश। महावंश में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जंबुद्वीप का स्वामी बताया, जंबुद्वीप यानी भारत का स्वामी। किसने बताया? कौटिल्य ने। क्योंकि मौर्य साम्राज्य प्रथम साम्राज्य था जिन्होंने केंद्रीयकरण शासन प्रवृत्ति को अपनाया और कौटिल्य ने कहा कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है। हितकर वह नहीं जो राजा के लिए हो बल्कि हित
अगर वह है जो प्रजा के लिए हो, तो ये कोटेशन देने वाले विद्वान भी कौन थे? कौटिल्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बोध संघ में प्रवेश की अनुमति कहां पर दी, कहां प्रदान की? यानी महात्मा बुद्ध ने जब बोध संघ स्थापित किया तो उसमें स्त्रियों की परमिशन नहीं थी, लेकिन बौद्ध धर्म और उनके 5वें वर्ष में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई और कपिल वस्तु में महात्मा बुद्ध की पोतेली माँ थी महाप्रजापति गौतमी। उनके अनुनय विनय से पहली बार बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश का प्रश्न उठा और गौतमी प्रजापति के अनुनय विनय और महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद, उनके कहने से महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि महिलाओं के संघ में प्रवेश देने से ही बौद्ध संघ का 500 वर्षों में ही पतन हो जाएगा। ऐसा बुद्ध ने आनंद को कहा, लेकिन बुद्ध को स्त्रियों की परमिशन दे दी। महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को परमिशन यानी भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की और वैशाली में ही सर्वप्रथम महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया। संघ में प्रवेश होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई। प्रारंभ में बौद्ध संघ सभी के लिए खुला था, लेकिन बाद में 15 वर्ष से कम आयु वालों के लिए, चोरों के लिए, हत्यारों के लिए या रोगी व्यक्ति के लिए संघ में निषेध कर दिया। तो महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ पे दी? वैशाली में। राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया। प्रथम जैन महासभा आयोजन किया गया पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया और उसमें 12 उपांग 10 प्रकीर्ण 6 छेद सूत्र इनका उल्लेख किया गया है। इसमें सर्वप्रथम अंगों का संकलन कहां पर हुआ है? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा हुई थी। 12 अंगों को श्वेतांबर मानते हैं। क्योंकि इसमें जैन धर्म का 2 भागों में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। दक्षिण के दिगंबर जैनों ने प्रथम जैन महासभा का बहिष्कार किया था। ईसापूर्व में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया।
यानी 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ा और मगध में अकाल पड़ने के बाद स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले पैताम्बर कहलाए। श्वेत वस्त्र धारण करते थे, अकाल पड़ने पे मगध में ही रहे स्थलबाहु के नेतृत्व में, लेकिन दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण वेल गोला कर्नाटक चले गए। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में अकाल पड़ने पे मगध में कर्नाटक जाने वाले दिगंबर कहलाए और दिगंबर जो है नग्न रहते थे। श्वेतांबर भोजन को आवश्यक मानते थे, लेकिन दिगंबर ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन को आवश्यक नहीं मानते थे। श्वेतांबर जो 19वें तीर्थंकर हुए हैं उन मल्लिनाथ उनको महिला मानते हैं, जबकि दिगंबर उनको मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं। दिगंबरों का कहना है कि महिला कभी तीर्थंकर नहीं हो सकती। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जैन ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति में हुआ। प्रथम जैन संगति कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों एवं जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई। हड़प्पा स्थल कौन सा है, यानी धोलावीरा। धोलावीरा से धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में मानहर और मानसेहरा नदियों के मध्य कादिरा द्वीप पर स्थित था। कादिरा द्वीप पर स्थित था। धोलावीरा की खोज सर्वप्रथम 1967 to 1968 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की। यहां से हमें सर्वप्रथम बाकी हड़प्पा स्थलों का हमें दो भागों में विभाजन दिखाई देता है, लेकिन धोलावीरा से नगर के दुर्गीकरण के साक्ष्य से वह तीन भागों में विभाजन देखने को मिलता है। धोलावीरा से हमें बांध निर्माण के साक्ष्य कृत्रिम जलाशय एवं उचित उचित जल प्रबंधन यानी वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य प्राप्त होते। वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धोलावीरा से हमें स्टेडियम के साक्ष्य सूचना पट
पट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धोलावीरा भारत में स्थित हड़प्पा कालीन स्थलों में धोलावीरा और राखीगढ़ी सबसे बड़े स्थल हैं। धोलावीरा और राखीगढ़ी राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा स्थल पर नालियों एवं जलाशयों का जल संसद के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज कहाँ पे की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? गंगा घाटी की हम बात करें तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में कृषि व अन्य यानी लोहे का आविष्कार हो गया था, वैदिक काल से ही। तो लोहे के आविष्कार से ईसा पूर्व छठी शताब्दी में कृषि व अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया, और परिवर्तन आने से कबायली जो जीवन था उसका स्थान स्थायी निवास की जीवन शैली ने ले लिया, इससे क्षेत्रीय भावना जागृत हुई। जन जो है जन जनपदों में एवं महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे। इसलिए गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। प्रथम नगरीकरण हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय हमें दिखाई देता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय, और द्वितीय नगरीकरण हमें महाजनपद काल में दिखाई देता है। तो द्वितीय नगरीकरण छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, और सर्वाधिक श्रेय इसको जाता है किसको? लोहे को। लोहे से क्या हुआ? कृषि होने लगी। यानी कि गंगा घाटी क्षेत्र में कितने महाजनपद स्थित थे? तो महाजनपदों का हम जानकारी प्राप्त करें तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची हमें देखने को मिलती है। एक बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु, उसमें भी 16 महाजनपदों की सूची है, लेकिन उनमें 16 महाजनपदों में गांधार एवं कंबोज के स्थान पर सिवी एवं दर्शन का नाम हमें देखने को मिलता है। यानी महावस्तु में 16 महाजनपदों में गांधार के स्थान पे क्या नाम मिलेगा? सिवी महाजनपद, और कंबोज के स्थान पे दर्शन का नाम मिलेगा। 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे, जबकि 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। गणतंत्रात्मक कौन से थे? वज्जी और मल। तो हमारा क्वेश्चन है कि गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? तो गंगा घाटी में 10 महाजनपद स्थित थे, 6 महाजनपदों को छोड़कर। 6 महाजनपद कौन से? अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, केदी और मत्स्य को छोड़कर
बाकी 10 महाजनपद का उल्लेख हमें गंगा घाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है और एकमात्र महाजनपद एकमात्र अस्मक महाजनपद गोदावरी के दक्षिण में स्थित था। तो 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद ऐसे हैं जिनकी हमें दो दो राजधानियां प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 महाजनपद गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित थे। 6 महाजनपद को छोड़कर अस्मक, अवंती, गांधार, कम्बोज, चेदी और मत्स्य को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से होना किस अभिलेख से सूचित होता है? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने रुद्रदामन की पुत्री महाक्षत्रपी से विवाह किया। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो है रुद्रदामन से युद्ध में पराजित हुआ और पराजित होने के बाद महाक्षत्रपी से विवाह करके उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसकी जानकारी हमें कन्हेरी अभिलेख से प्राप्त होती है। कन्हेरी अभिलेख कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के समय सातवाहन शासक है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इनके समय अमरावती के स्तूप का निर्माण हुआ। अमरावती के स्तूप का निर्माण हुआ और एक एकमात्र सातवाहन शासक है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी जिसका उल्लेख हमें अमरावती स्तूप में देखने को मिलता है। रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को दो बार पराजित किया तथा निकट संबंधी होने के कारण छोड़ दिया। इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलती है। यानी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को रुद्रदामन ने पराजित किया और उनकी पुत्री महाक्षत्रपी से विवाह किया। इसकी जानकारी तो हमें कन्हेरी अभिलेख से देखने को मिलती है, जबकि रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को दो बार पराजित किया और निकट संबंधी होने के कारण उनको छोड़ दिया। इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख है। यह गद और पद यानी चंपू शैली में लिखा हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम एक साथ देखने को मिलता है। एकमात्र अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम एक साथ देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कन्हेरी अभिलेख।
यानी वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने किस अभिलेख में सूचित किया कि रुद्रदामन की पुत्री विवाह किया? कन्हेरी अभिलेख में, कन्हेरी अभिलेख महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा? सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे, यानी धर्म प्रचारकों के माध्यम से सम्राट अशोक मूलतः उपासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। और बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने से अशोक ने अपना धम्म चलाया, और धम्म का अर्थ होता है, धम्म जो है संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत भाषा में धम्म कहा जाता है। संस्कृत के धर्म को प्राकृत भाषा में धम्म कहा जाता है। अशोक ने 7 शिलालेख स्तंभ लेख बनवाए। 7 स्तंभ लेखों में दूसरे स्तंभ लेख में सम्राट अशोक स्वयं क्वेश्चन करते हैं कि धम्म क्या है। फिर दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में स्वयं उत्तर देते हुए कहते हैं, अपासी नव यानी पाप से मुक्ति, लोगों का कल्याण, दया दान सत्य सुधि ही क्या है, धम्म है। और अशोक के धम्म का सर्वप्रथम उल्लेख हमें दीघ निकाय के राहुलोवाद सूत्र या सिंगालोवाद सूत्र में देखने को मिलता है। फिर तीसरी बौद्ध संगति के समय, तीसरी बौद्ध संगति 251 बीसी में हुई थी, सम्राट अशोक के समय में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। उसमें महावंश बताता है कि तीसरी बौद्ध संगति के समय सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने अनुयायी विदेशों में यानी धर्म का प्रचार के लिए बाहर भेजे थे। तो सबसे पहले रक्षित को भेजा था बनवासी, महादेव को भेजा था महिष मंडल मैसूर, महिष मंडल मैसूर, धर्म रक्षित को भेजा था प्रांतक, महाधर्म रक्षित को भेजा था महाराष्ट्र, महाधर्म रक्षित को भेजा था महाराष्ट्र, महेंद्र और संघमित्रा को लंका भेजा था, महारक्षित को यवन देश भेजा,
मज्जिम को हिमालय भेजा, मज्जिम को हिमालय देश भेजा, मज्जतिक को गांधार और कश्मीर भेजा, ये सब धर्म प्रचारक अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति में धर्म के प्रचार के लिए बाहर भेजे। क्वेश्चन था, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा था? किस प्रचारक को महाराष्ट्र में भेजा था? तो महाधर्म रक्षित को भेजा था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? यानी बौद्ध संघों के जो बौद्ध सिद्धांत दिए गए हैं वो हमें किसमें प्राप्त होते हैं? त्रिपिटक में प्राप्त होते हैं। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है। त्रिपिटक का अर्थ है टोकरी। त्रिपिटक का सर्वप्रथम प्रयोग यानी त्रिपिटक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिच डेविड्स ने अपनी रचना बुद्धिस्ट इंडिया में त्रिपिटक शब्द का प्रयोग किया। त्रिपिटक के तीन अंग हैं। नंबर वन सूत्र पिटक, सेकंड विनय पिटक, थर्ड अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक सबसे बड़ा है। इसलिए इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। के पांच भाग हैं सूत्र पिटक के। दीघ निकाय, नंबर दो मध्यम निकाय, नंबर थर्ड संयुक्त निकाय, नंबर फोर्थ अंगुत्तर निकाय, और नंबर फिफ्थ खुद्दक निकाय। दीघ निकाय में अजातशत्रु बुद्ध के बारे में कहते हैं भगवान बुद्ध भी कौशल के हैं, यानी भगवान बुद्ध भी कौशल, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय हैं और मैं भी क्षत्रिय हूं, इसलिए मुझे उनके अस्थि अवशेषों का अंश मिलना चाहिए। ये अजातशत्रु दीघ निकाय में कहते हैं। मध्यम निकाय में प्रसेनजीत कहता है कि भगवान बुद्ध भी कौशल के हैं, मैं भी कौशल का हूँ, यानी भगवान बुद्ध भी 80 साल के हैं, मैं भी 80 साल का हूँ, इसलिए इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? मध्यम निकाय से। सूत्र पिटक का भाग है ये मध्यम निकाय, इससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा है विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार और नियमों का संकलन हमें देखने को मिलता है। इसके तीन भाग हैं, पातिमोक्ष, खंडक खंडक में दो भाग हैं, कुलबग और महाबग। अभिधम पिटक सबसे बाद में जोड़ा गया और ये जो है अभिधम पिटक, इसकी सबसे प्रमुख रचना है कथावथु। इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्र तिस ने की। मोगली पुत्र तिस ने की। गुड इवनिंग एवरीवन। राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? विनय पिटक में। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक वचनों का संग्रह देखने को मिलता है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचरण के नियमों का उल्लेख मिलता है और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं। सूत्र पिटक का पांचवा भाग है खुद्दक निकाय, इसमें हमें जातक कथाओं का अंकन देखने को मिलता है। जातक कथाएं यानी बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कहानियां हैं और इसमें खुद्दक निकाय में फेरी गाथा, धम्मपद, फेरी गाथा, धम्मपद और विमान पथु अन्य ग्रंथों का अंकन देखने को मिलता है। धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है धम्मपद को। राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मथुरा मूर्तिकला शैली के बारे में सही नहीं है? जैन धर्म के उपासकों द्वारा मथुरा में संरक्षित मूर्तिकला की एक शैली को मथुरा कला शैली कहा जाता है। मथुरा शैली की मूर्तियों में सफेद चित्रकारी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मथुरा शैली का आरंभ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से माना जाता है। बाद में कुषाणों ने इस शैली को संरक्षण दिया। उनकी वर्ण कुछ चित्र मूर्तियां मथुरा के पास पाई गई। ई ऑप्शन माना जाता है कि बुद्ध की पहली छवि निर्मित की गई मथुरा शैली द्वारा निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका उल्लेख मौर्योत्तर काल में दो कला शैलियों का जन्म हुआ, गांधार कला शैली एंड मथुरा कला शैली। बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति का निर्माण हमें मथुरा कला शैली में देखने को मिलता है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में देखने को मिलता है, जबकि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हमें गांधार कला शैली में देखने को मिलता है।
बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली में देखने को मिलता है। मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली में महात्मा बुद्ध की ध्यान मुद्रा में, अभय मुद्रा में हमें मूर्तियां प्राप्त होती हैं। मथुरा कला शैली का विकास जो है सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ, जबकि गांधार कला शैली का विकास हमें कुषाण काल में देखने को मिलता है। गांधार मूर्तिकला शैली नग्न कला है, जबकि मथुरा कला शैली में नग्नता का अभाव है। गांधार कला शैली यथार्थवादी है, जबकि मथुरा कला शैली आदर्शवादी है। गांधार कला शैली का निर्माण स्लेटी रंग के बलुआ पत्थरों से हुआ है। स्लेटी रंग के बलुआ पत्थरों से हुआ है, जबकि मथुरा कला शैली का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है। गांधार कला शैली शारीरिक या शरीर की बनावट संबंधी ज्यादा चित्रों का अंकन करती है, जबकि मथुरा कला शैली आदर्शवादी या आध्यात्मिक चित्रों का ज्यादा अंकन मिलता है। आदर्शवादी या आध्यात्मिक मथुरा कला शैली का विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में माना जाता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मथुरा कला शैली के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? इस शैली का आरंभ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अंत में माना जाता है। नहीं, इसका आरंभ प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट कल की क्लास में एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। किसी की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। रविंदर सर गुरुकुल, नाइस क्लास, थैंक यू सर। जसवंत भांबू, वेरी वेरी नाइस, एक्सीलेंट। कविता जी, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर नवल जी, हाँ थैंक यू। चंदू कुमावत, थैंक यू। प्रकाश शेखर, ए आंसर 14 का तो रोंग है, सी आंसर हो जाएगा। हंसा यादव, गुड इवनिंग। हंसा यादव सुपर टीचिंग, थैंक यू। सपना शर्मा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।